दोस्तों आईपीएल ने टी20 क्रिकेट को दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया है। आज दुनिया भर में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली जाती है। आईपीएल के अलावा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, पाकिस्तान की पीएसएल, वेस्ट इंडीज़ की सीपीएल, साउथ अफ्रीका की SA20 और दुबई की ILT20 ये कुछ फेमस टी20 लीग्स हैं। और अब इसमें एक नया नाम जुड़ने वाला है, मेजर लीग क्रिकेट MLC। तो आखिर है क्या ये MLC? ये कब और कहाँ शुरू होगी? कौन कौन सी इसमें टीम्स होंगी? ये कौन कौन से ग्राउंड्स पे खेला जाएगा? और आप इंडिया में इसे कहाँ स्ट्रीम कर सकते हो? सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग, इसका मतलब क्या है। दोस्तों MLC मतलब मेजर लीग क्रिकेट। ये एक USA बेस्ड टी20 लीग होने वाली है और 2023 इसका इनॉग्रल सीजन होने वाला है। सेकेंडली ओरिजिन, इसका ओरिजिन कौन और क्यों करवा रहा है? तो दोस्तों अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेस इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन करवाने वाली है। इसे ऑर्गेनाइज करने का उनका सिंपल मोटिव ये है टू एक्सपांड क्रिकेट इन अमेरिका, ताकि दुनिया भर के प्लेयर्स यहाँ पर आके क्रिकेट खेले, यहाँ का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, डेवलप हो और इनके लोकल प्लेयर्स को अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिले, ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कम्पीट कर सकते हैं हाई क्वालिटी प्लेयर्स के साथ। टीम्स एंड ओनर्स, तो दोस्तों इसमें 6 टीम्स होने वाली है जो कि 6 अलग अलग अमेरिकन सिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो 6 टीम्स और उनके 6 ओनर्स कौन हैं। तो सबसे पहले टीम है MI न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क सिटी को रिप्रेजेंट करती है और इसके ओनर्स हैं इंडिया विन स्पोर्ट्स। ये वही कंपनी है जो मुंबई इंडियंस, MI केप टाउन, MI एमिरेट्स और मुंबई इंडियंस की वुमेंस टीम को भी ओन करती है। अगली टीम है टेक्सास सुपर किंग्स, ये टीम टेक्सास शहर को रिप्रेजेंट करती है और इसके ओनर्स वैसे तो कई सारे हैं पर मेनली है चेन्नई सुपर किंग्स। अगली टीम है लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स, ये टीम लॉस एंजेलिस शहर को रिप्रेजेंट करती है और इसके ओनर्स हैं नाइट राइडर्स ग्रुप। ये वही ग्रुप है जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स और ट्रेंट बैकर नाइट राइडर्स को भी ओन करती है। अगली टीम है सीटल ओरकस, ये टीम रेडमंड वाशिंगटन शहर को रिप्रेजेंट करती है और इसके ओनर्स हैं GMR ग्रुप। ये वही ग्रुप है जो दिल्ली कैपिटल्स, दुबई कैपिटल्स और दिल्ली कैपिटल्स की वुमेंस टीम को ओन करती है। पांचवी टीम है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, ये टीम सैन फ्रांसिस्को शहर को रिप्रेजेंट करती है और इसके ओनर्स हैं आनंद राजारामन और वेंकी हरिनारायण। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठी टीम है वाशिंगटन फ्रीडम, ये टीम फेयरफैक्स वर्जीनिया शहर को रिप्रेजेंट करती है और इसके ओनर्स हैं संजय गोविल। चलिए अब बात करते हैं ग्राउंड्स की। तो फिलहाल तो ये पूरा टूर्नामेंट सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स पर खेला जाएगा, चर्च स्ट्रीट पार्क मॉर्फिले एंड ग्रैंड प्रैरी स्टेडियम टेक्सास। वैसे इसके अलावा और कई ग्राउंड्स हैं पर वो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है, रिपोर्ट्स की माने जाए तो वो 2024 तक बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये टूर्नामेंट अलग अलग ग्राउंड्स में पूरी तरीके से खेला जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नोटेबल प्लेयर्स। इस टूर्नामेंट में काफ़ी सारे नोटेबल प्लेयर्स हिस्सा लेने वाले हैं, जैसे कि एरन फिंच, कायरन पोलार्ड, पाव टू प्लेसिस, डेवन कॉनवे, डेविड मिलर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, DJ ब्रावो, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, ट्रेंट बोल्ट, एडम जंपोर, ऐसे कई सारे फेमस प्लेयर्स इस लीग का हिस्सा होने वाले हैं। वेन एंड वेयर टू वॉच, तो दोस्तों ये टूर्नामेंट 13 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। इसे आप इंडिया में जियो सिनेमा पर फ्री पे स्ट्रीम कर सकते हैं और TV में ये स्पोर्ट्स 18 चैनल पे दिखेगा। पर इसके टाइमिंग्स कुछ सूटेबल नहीं है, क्योंकि डे मैचेस 2 AM IST को शुरू होंगे और नाइट मैचेस 6 AM IST को शुरू होंगे। तो कुछ मेजर इंडियन ऑडियंस इसे लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर पाएंगे पर इसे हाइलाइट्स ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेजर लीग क्रिकेट ये टूर्नामेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको अच्छे से हर चीज़ समझा देंगे। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने हर एक क्रिकेट फैन के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसे भी MNC की इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।